नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि अपने प्रोजेक्ट में हमें अगर ऑटो कंप्लीट जो हम लोग सर्चेबल सर्च करते हैं कभी भी, तो ऑटोमेटिक जब कीवर्ड डालते हैं तो वो कीवर्ड के थ्रू जो भी कंटेंट हमारे पास होता है वो सर्च हो जाता है ईजिली। तो ये क्यों करते हैं अपने वेबसाइट में, इसका भी बड़ा एक रीज़न है कि एक एग्ज़ाम्पल हमने पिछले लिया था कि जो हमने एक कंटेंट टाइप बनाया था ट्यूटर, इसमें इस समय अभी हमारे पास चार ही ट्यूटर हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ़ ट्यूटर्स के रिकॉर्ड बहुत हैं या स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड तो बहुत होते ही हैं, तो कि अगर 1000 या उससे अधिक या ज़्यादा रिकॉर्ड होंगे तो कैसे फाइंड आउट करेगा कोई। तो उसके लिए हम एक सर्च की फंक्शनैलिटी देंगे इसके थ्रू, ठीक है। तो एक व्यू हम लोग बनाएंगे इसमें और एक सर्च की फंक्शनैलिटी देंगे कि कैसे हम इसको सर्च कर सकते हैं, और इसमें एजक्स का भी हम यूज़ करके देखेंगे कि क्या फंक्शनैलिटी एजक्स के थ्रू भी हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी ट्यूटोरियल हमारा जो है वो भी दोस्तों डिपेंड है व्यू के पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा हम मॉड्यूल यूज़ करने वाले हैं। तो ये एक मॉड्यूल है हमारा व्यूज ऑटो कम्प्लीट फिल्टर्स, ठीक है। तो इस मॉड्यूल में जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करना है हमेशा की तरह दोस्तों इसको डाउनलोड करके अपने लोकल मशीन में रख लेंगे, और रखने के बाद हम देख लेते हैं ये व्यू की कैटेगरी में है तो हम इसमें व्यू में देख सकते हैं। तो ये है हमारा ऑटो कंप्लीट फिल्टर जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। ये भी डिपेंडेंसी है दोस्तों इस पर व्यू और टू सी टूल्स की, ठीक है। तो ये चेक कर लीजिएगा आपके पास ये दोनों मॉड्यूल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको आप इनेबल कर लीजिए। इनेबल करने के बाद हम लोग एक व्यू बनाएंगे, ठीक है। तो व्यू में हम लोग ऐड न्यू व्यू करेंगे और इसका जो नाम हम देने वाले हैं वो देने वाले हैं स्टूडेंट, नहीं ट्यूटर लेंगे, स्टूडेंट इसके बाद चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्यूटर ऑटो कंप्लीट डेमो, ठीक है। ये एक लेने वाले हम, और इसमें जो हम कंटेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे ऑफकोर्स ट्यूटर, क्योंकि हम लोग ट्यूटर कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर एक पेज बनाएंगे, ठीक है, नो डाउट। उसके बाद यहाँ हम लोग टेबल ले लेंगे, ठीक है, फील्ड्स टेबल हम बाद में सेलेक्ट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी जो स्ट्रक्चर बना उसमें क्या हुआ, टाइटल आ गया कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फील्ड टाइटल यहाँ ऐड है, ठीक है। अब इसको हम लोग टेबल में ले लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उसको रहने देते हैं, ठीक है। टेबल में हम लोग उसका लेबल ले लेते हैं, ट्यूटर नेम, ठीक। तो ये हमारा लेबल आ गया ट्यूटर नेम, ठीक है। अब ट्यूटर नेम के बाद हमारी जो दूसरी फील्ड थी वो सब्जेक्ट थी, क्योंकि ट्यूटर का हमारे पास सब्जेक्ट है, तो हम लोग सब्जेक्ट ऐड कर लेंगे, लेबल सब्जेक्ट नेम कर देंगे, ठीक है, और बाकी डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये हो गया ट्यूटर का नाम और उसका सब्जेक्ट नेम, ठीक है, सेव कर लें, देखें कैसा है। ये देखिए लिस्ट आ रही है, जो नाम हमने दिया था टाइटल वो आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ से भी एडिट पे जा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसको बंद करते हैं, यहाँ पर आते हैं अपने व्यू पे। अब यहाँ पर हम लोग लगाते हैं ऑटो कंप्लीट की फंक्शनैलिटी। दोस्तों, जब भी आप ये मॉड्यूल अपने लोकल मशीन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे, इनेबल कर लेंगे, तब आप फिल्टर कैटेगरी में आइए यहाँ पर, और यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए टाइटल, ठीक है, जो भी आपका टाइटल था, यहाँ पर कीजिए एक्सपोज दिस फिल्टर टू विजिटर, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ऑपरेटर्स जो है ऑप्शन दिया है आपको, यहाँ पर कंटेंस यूज़ कीजिए, ठीक है। कंटेंस का मतलब ये हो गया कि कोई भी आप कीवर्ड जैसे सर्च कर रहे हो या कि रमेश सर्च कर रहे हो, तो वो जो आप कीवर्ड डालोगे जैसे रमेश कुमार, ठीक है, तो आपने अगर कुमार डाल दिया तो कंटेन उसमें कुमार फाइंड करके ये आपको दे देगा, तो वो कीवर्ड ये कंटेन एक तरीके से उसमें होगा तो वो आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, जब आप ये मॉड्यूल इंस्टॉल कर लेंगे व्यू ऑटो कंप्लीट फिल्टर, तो ये आपको ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ आप इसको चेकबॉक्स पे लगा दीजिए। नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स आपको सर्च आपने किया तो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स आपको कितने चाहिए, 10 चाहिए, 10 से कम चाहिए, 10 से ज़्यादा, वो आप यहाँ वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है।
अगर आप ज़ीरो कर देंगे तो जितने भी होंगे सब आ जाएंगे, नो लिमिट लगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या सर्च करना है, ठीक है, यहीं पर आपको वो सर्च करना है ट्यूटर। तो अभी कंटेंट टाइप हमारा ट्यूटर है, उसका टाइटल भी यही था, ठीक है। तो ये हमारा ट्यूटर फील्ड यहाँ सेलेक्ट होगी क्योंकि हमें ट्यूटर सर्च करना है, ठीक है। बाकी डिफ़ॉल्ट रख देते हैं और सेव कर देते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं ये रिज़ल्ट देता है कि नहीं। सेव करना पड़ेगा, सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं VIH, ठीक है। देखिए ऑटो कंप्लीट लगा हुआ है, सर्च किया, ये देखिए आ गया विहान। और पास हमारे पास अगर हम कुमार डाल देते हैं तो कुमार से क्या क्या आता है, ये देखिए आदित्य कुमार और ये आरव कुमार। हमारे पास कितना था रिकॉर्ड, 4 रिकॉर्ड है, तो दो ही में कुमार था तो दो में कुमार आ रहा, ठीक है। तो इसमें चलते हैं हम व्यू के पेज पे, ये देखिए दोस्तों अभी हम इसमें कुमार डालते हैं और करते हैं तो ये कुमार आया, ठीक है। और हम लोग VIH व्यान करते हैं, ये देखिए एक दोस्तों देखिए इसमें एक जब भी मैं अप्लाई पे क्लिक कर रहा हूँ तो पेज रिफ्रेश हो रहा है और फिर रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है, ये देखिए कुमार, अगर कोई सा भी सेलेक्ट कर लें आप, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक और फंक्शनलिटी ऐड करेंगे, अपने व्यू में जाएंगे, एडवांस टैब में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक यूज़ एजक्स आ रहा होगा, नो आ रहा होगा, आप इसको बस यस कर दीजिए, ठीक है। और फिर इसके बाद देखते हैं पेज रिफ्रेश, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर हमने विहान लिखा, सेलेक्ट किया, ये देखिए पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, ठीक है। कुमार, पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, तुरंत रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये विदाउट पेज रिफ्रेश, जैसे कि हम जानते हैं एजक्स इसी पर्पस से यूज़ होता है। तो ये था कि अपने ड्रूपल में हम कैसे ऑटो कंप्लीट फील्ड का यूज़ करें और कैसे अपने वेबसाइट में को यूज़र फ्रेंडली बनाएं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इस ट्यूटोरियल से कोई भी प्रॉब्लम या इशू होता है तो आप कमेंट छोड़िए, इसका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी हम दोस्तों इसी पे एक इसी का एक टॉपिक लेंगे, उसमें हम एंटिटी रेफरेंस का भी यूज़ करेंगे। तो कैसे एंटिटी रेफरेंस का हम रिलेशन बनाते हैं उसमें, वो चेक करेंगे अपने व्यू के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।